और मुझे याद है वहां पंडित केदारनाथ शर्मा हुआ करते थे हमारे एमएलए, जाति के आधार पे नहीं जीतते थे, शर्मा लोग ब्राह्मण लोगों का वहां कोई वोट नहीं था। किसानों के संघर्ष में दुख सुख में उनके साथ खड़े होके कोई 25-30 साल तक पंडित केदारनाथ शर्मा वहां समाजवादी विचार को लेके, मजदूर किसान के आंदोलन को लेके संघर्ष करते रहे, राजस्थान के गृह मंत्री भी बने थे। उस परंपरा में मैं हमारे साथी अमरा राम जी को भी देखता हूं और यहाँ के किसानों के संघर्ष के प्रति प्रणाम करना चाहता हूं, नमन करना चाहता हूं आपके उस ऐतिहासिक संघर्ष को 2 साल पहले जो आपने किया था। 13 दिन तक जो सीकर में आप लोगों ने किसानों ने संघर्ष किया था, संघर्ष आपने सीकर में किया था, लेकिन हिम्मत रेवाड़ी के किसान की बड़ी थी, गुड़गांव के किसान की बड़ी थी, हिम्मत महाराष्ट्र के किसान की बड़ी थी, इसकी चर्चा कर्नाटक का किसान भी करता था। देश के किसान को हिम्मत दी, इसलिए मैं आपको नमन करके इस बातचीत की शुरुआत करना चाहता हूं। साथियों, चुनाव का समय है और चुनाव का मतलब क्या है? चुनाव का मतलब है जवाब दो, हिसाब दो। कुछ बच्चे बैठे हैं यहां मेरे सामने, परीक्षा इनको भी देनी पड़ती है। 1 साल की मेहनत के बाद बच्चों की परीक्षा होती है, पास होगा बच्चा, फेल होगा, देखते हैं पढ़ाई की के नहीं की। उसी तरह से 5 साल के बाद लोकतंत्र में सरकार की परीक्षा होती है। जैसे बच्चे के लिए परीक्षा का समय है हिसाब दो पढ़ाई की के नहीं की, उसी तरह से 5 साल के बाद ये सरकार की परीक्षा का समय है कि जनता को जो किए वादे पूरे किए के नहीं किए, जनता के सामने जो दावे कर रहे हो सच है कि नहीं है। ये समय आया है, आज 5 साल के बाद मोदी राज के लिए समय है हिसाब दो जवाब दो। आज संयोग ही है कि मोदी जी भी आ रहे हैं यहां पड़ोस में, 1.5 किलोमीटर दूर में मोदी जी आ रहे हैं, और अच्छा है कि उनका हिसाब करने के लिए हम रामलीला मैदान में खड़े हैं। तो इसलिए मर्यादा की बात हम करेंगे, जो मोदी जी का काम है वो करेंगे। मर्यादा है सच और झूठ की। अब मैं आपसे पूछता हूं, मोदी जी ने 5 साल पहले इस देश के किसान से वायदा किया था कि मैं आपकी फसल का दाम आपकी लागत का 1.5 गुना दाम आपको दिलवाऊंगा। वायदा किया था कि नहीं? किया था। लागत का 1.5 गुना का मतलब हुआ कि हमारी गेहूं की फसल को अगर पूरी लागत का 1.5 गुना करते तो 2200-2300 रुपए का रेट होता। मोदी जी ने 5 साल में वो नहीं किया, 1800 का रेट दिया। सही रेट देते, अगर पूरी लागत का 1.5 गुना करते तो हमारी सरसों आज 6000 रुपए क्विंटल न्यूनतम मूल्य होता। वो नहीं किया, चलो 4200 किया। अगर सही दाम किसान को लागत का 1.5 गुना दाम देते तो और कुछ नहीं, सरकार अपना जो न्यूनतम समर्थन मूल्य बोलती है वो तो किसान को मिलता। ये न्यूनतम जानो तुम्हारा आरती जाने।
मूल्य का चाहता हूँ। सब ज्यादातर मुझे किसान दिख, फसल की बिक्री का टाइम है, ₹4200 है कि इससे कम, 4200 से कम में कोई। और टीवी पे बोलते हैं एक बार लड्डू भी खा लिया किसान को मिल गया, एक बार दोबारा दिखाएगा कि भाई ना लेगा। इस सच को देखें कि थी, आप विश्वासघात किया है।